आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर लोगों को कानूनी जानकारियां प्रदान की गयी। गोवर्धन ब्लॉक कार्यालय के चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनिका वर्मा ने वंचित व असहाय गरीब लोगों को सुलभ न्याय प्रदान कराने के लिए बने कानूनों से लोगों को अवगत कराया। सचिव सोनिका वर्मा ने कहा कि समाज के निर्धन व दिव्यांग पीड़ित लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने व्यक्ति के मूल अधिकारों सहित कानून के विभिन्न सूत्रों की जानकारी लोगों को दी। शिविर में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश ने गौ संरक्षण का पशुपालन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वन दरोगा आशीष सिंह ने वन्य जीव संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण की जानकारी लोगों को दी। वन रेंज क्षेत्राधिकारी ब्रजेश कुमार ने वन विभाग व पौधारोपण सहित प्रकृति संतुलन की जानकारी लोगों को प्रदान की। पीएलबी डॉक्टर विनोद दीक्षित ने सेवा प्राधिकरण का आधारभूत जानकारी लोगों को प्रदान की। शिविर के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह ने ब्लॉक के माध्यम आम जनमानस को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कुमार प्रधान, नैनुपट्टी डॉक्टर देवेंद्र सिंह प्रधान, रविकांत कौशिक प्रधान, जनवीर सिंह, वन दरोगा कार्तिक सिंह, पीएलवी गणेश पहलवान, पीयूष पुरोहित सहित प्रधान पंचायत कर्मी व ब्लॉक कर्मी आदि प्रमुख रूप में उपस्थित रहे। शिविर का संचालन पीएलवी मनीष कुमार शर्मा ने किया। डीडी शर्मा मथुरा समाचार 24। मैडम आज यहाँ पर वन्य जीव जागरूकता एक कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है और इसमें आपका जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका कितना योगदान? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनकी एक प्रोग्राम 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समस्त मथुरा जिले के जो भी गाँव है और जो ब्लॉक है, मतलब हर क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना, तो उसी के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वन्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनको वन्य जीव से संबंधित जो अधिनियम है और हमारे जीवन में वन और वन्य जीवों का क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये केवल इस सप्ताह में ही चलेगा या आगे भी इसका कोई आयोजन का? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तो ये आजादी के अमृत महोत्सव करके जो कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाया जा रहा है, परंतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य यही है कि वो पूरे जिले में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन हमारे द्वारा कराया जाता रहता है।